टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके प्रिंसेस यास्मीन यानी कि अवनीत कौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें सब टीवी के शो अलादीन में यास्मीन के किरदार में नजर आ चुकी हैं और अपने इस किरदार से और अपने ग्लैमरस अंदाज के चलते सोशल मीडिया पर खूब राज करती हैं अवनीत कौर। आज टीवी इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी पहचान बना चुकी हैं। तो आज टेली रिपोर्टर आपको अवनीत कौर के 10 अननोन फैक्ट्स बताएगा जो आपने शायद ही सुने होंगे। फैक्ट्स नंबर 1, अवनीत कौर फर्स्ट टाइम 2010 में DID लिटिल मास्टर में नजर आ चुकी हैं और विनर तो नहीं बन पाए लेकिन टॉप 7 तक पहुँच चुकी थी अवनीत, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छी खासी पहचान मिल चुकी थी। फैक्ट्स नंबर 2, क्या आपको पता है कि अवनीत कौर के बचपन का नाम क्या था? नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ, अवनीत कौर के बचपन का नाम मुज्जा था। फैक्ट्स नंबर 3, अवनीत अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत मेरी माँ में झिलमिल के किरदार से किया। इसके बाद आपको बता दे अवनीत कौर एक्टर दर्शील सफारी के साथ 2012 में झलक दिखला जा में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उनको अपनी असली पहचान चंद्र नंदनी से ही मिली और अलादीन में यास्मीन के किरदार के बाद तो उन्हें हर घर में अपनी पहचान मिल चुकी। फैक्ट्स नंबर 4, क्या आपको पता है कि अवनीत ने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया है? बता दे सॉन्ग का नाम है सारा दिन, जिसमें वो करण सिंह के साथ नजर आ चुकी हैं। फैक्ट्स नंबर 5, अवनीत कौर ने अलादीन शो को क्यों छोड़ा? अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो डायरेक्टर्स अवनीत की टाइमिंग से परेशान थे और वो शूटिंग के वक्त पर नहीं पहुंचती थी, अदर इवेंट्स में बिजी होती थी, जिसकी वजह से अवनीत को ये शो क्विट करना पड़ा। वैसे अवनीत ने जो बताया था अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से ये शो क्विट करना पड़ा। फैक्ट्स नंबर 6, अवनीत कौर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यानी कि सिद्धार्थ निगम के साथ 4 से ऊपर वीडियो एल्बम में नजर आ चुकी हैं। फैक्ट्स नंबर 7, क्या आपको पता है कि अवनीत कौर और जन्नत जुबेर में आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो भी नहीं करते हैं। हाल ही में जन्नत जुबेर का सॉन्ग इश्क फर्जी आया था रोहन मेहरा के साथ, जहां अवनीत ने इस पोस्ट को शेयर तो किया लेकिन उन्होंने सिर्फ रोहन को टैग किया था, ना कि जन्नत को। खैर जन्नत भी ऐसा ही करती हुई नजर आती हैं। अगर सिद्धार्थ निगम का सॉन्ग अवनीत कौर के साथ आता है तो वो सिर्फ सिद्धार्थ निगम को टैग करती है, ना कि अवनीत को। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे की पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम है, इसी वजह से दोनों में बनती नहीं है। फैक्ट नंबर 8, अवनीत कौर सबसे ज्यादा करीब इंडस्ट्री में सिद्धार्थ निगम के साथ हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन हमेशा दोनों ने ही एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही बताया। फैक्ट नंबर 9, अवनीत कौर अपने अलादीन शो के लिए पर एपिसोड 40,000 के आसपास चार्ज करती थी। फैक्ट नंबर 10, बता दे अवनीत कौर के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ऊपर फॉलोवर्स हैं। वेल, आपको अवनीत कौर के ये अननोन फैक्ट्स कैसे लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।